और अगली बड़ी खबर का भी रुख कर रहते हैं। गाजा में हमलों पर आईडीएफ का बयान सामने आया है, हमास के खात्मे का काम जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपना रुख साफ कर दिया है। गाजा में हमास का शासन अब नहीं चलने देंगे, हमास की पूरी ताकत को ही हम मिटा देंगे। जहां भी आईडीएफ से सामना होगा वहां आतंकी मारे जाएंगे। कई हमास नेताओं को हमने मार गिराया है। देखिए ऑफिशियली एक्सेप्टेंस, पहले बेंजामिन नेतन्याहू का यह संकल्प कि अब गाजा पट्टी को मिट्टी में मिलाकर रखेंगे, और इसके बाद अब इजरायली डिफेंस फोर्स का यह बयान कि हमास के खात्मे का काम जारी है, हमास में गाजा में हमास का शासन नहीं चलेगा और बड़े बड़े नेताओं को हमने मिटा दिया है, हमास की पूरी ताकत को हमें खत्म करना होगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इसराइल के निशाने पर हमास का याहिया सिनवार, इसका नाम आप लगातार सुन रहे होंगे, ये है कौन ये तो जान लें। गाजा पट्टी में दरअसल हमास का प्रमुख माना जाता है इसे, और ये प्राइम टारगेट माना जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का। किया क्या है इसने, इसराइल पर जो हमला हुआ 7 अक्टूबर को, जिस तरह से हमास के लड़ाकों ने इसराइल की सरजमीन पर बर्बरता की, उसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है इसे। कितना खतरनाक है, फिलिस्तीन का ओसामा कहा जाता है इसे। 24 साल इसराइल की जेल में कैद रहा है। काम का तरीका, इसराइलियों का नरसंहार, इसराइल की नजर में खान यूनिस का कसाई यही है, और ये प्राइम टारगेट माना जा रहा है। याहिया सिनवार इस वक्त इसराइल के निशाने पर है, गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन की बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है, और वो शख्स जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्राइम टारगेट पर होगा वो यही है, याहिया सिनवार। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, महेश सचदेव विदेश मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट वो हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सबसे खतरनाक वॉर जोन में। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त पहुंच चुके हैं गाजा बॉर्डर, वो गाजा बॉर्डर जहां पर इसराइल की पूरी टैंक डिवीजन तैनात की गई है, वहां पहुंच गए हैं मनीष। मनीष इस वक्त क्या चल रहा है और बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की कैसी तैयारी आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं? बिल्कुल समीर, देखिए इस वक्त हम गाजा बॉर्डर पर जिस जगह पर हैं वहां पर आईडीएफ ने किस तरह की तैयारी कर रखी है, किस तरह की पोजीशन कर रखी है वो हम अपने कैमरे पर दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त देखिए, इस वक्त हमारे कैमरा सहयोगी अमित आपको दिखा रहे हैं, देखिए सामने में है गाजा का इलाका, जहां एक तरफ लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, वहीं यहां से टैंक डिवीजन से रह कर तोप के गोले दागे जा रहे हैं, और इस वक्त आप कैमरे पर उनकी पोजीशनिंग को देख सकते हैं। इन्होंने अपनी पोजीशन को इस हिसाब से तैयार करके रखी है कि उधर से भी जो रॉकेट के हमले दागे जाते हैं तो उससे भी बचाव किया जा सके, अपनी तरफ इधर से आर्टिलरी की फायर हो सके, और साथ ही साथ देखिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप ये देखिए कि मैं अपनी आँखों से गाजा पट्टी के उन इलाकों को देख पा रहा हूँ, और वहाँ पर लगातार फायर किए जा रहे हैं यहाँ के तमाम जो टैंक और आर्टिलरी के वेपन के जरिए, और इस वक्त जो आप मूवमेंट देख रहे हैं, और अमित थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में भी दिखाइए, देखिए राइट डायरेक्शन में, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो दो देशों की सीमाओं पर खड़े होकर आप युद्ध देख रहे हो, ठीक उसी तरह का नज़ारा, उसी तरह की मूवमेंट यहाँ पर है, और रह कर जहाँ पर गोले दागे जा रहे हैं वहीं उधर से भी, मैं आपको कहूँ जहाँ हम लोग खड़े हैं उधर से भी रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले इन इलाकों में सायरन की आवाज भी सुनाई पड़ी थी। जी बिल्कुल मनीष, और लगातार आप वहां से लाइव रिपोर्ट लाइव कवरेज हमें दिखा रहे हैं। संजय मेस्टन सर, मेरा सवाल आपसे, देखिए पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ये साफ बोल चुके हैं कि हमास का पूरी तरह से खात्मा करेंगे, प्रण लेकर रखें, इस खात्मे में गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, ये क्या आपको लगता है और क्या आपको लग रहा है, क्या रणनीति नजर आ रही है इस वक्त इसराइल की आपको? जहां तक इसराइल की रणनीति है, जो मेरे को अभी समझ में आ रहा है, देखिए उनका टारगेट और इरादा तो बहुत क्लियर है, हमास को ख़त्म करना जी। अब सवाल उठता है कब, कैसे, कब? अभी आपको पता है ब्लिंकन आज वापस इसराइल में आ रहे हैं, कई अरब देश से मिलने के बाद लोगों को, और वो एक फीडबैक देंगे कि अभी अरब देशों का क्या ख्यालात है, और ख़ासकर जो
155 होस्टेजेस हैं उनके बारे में क्या डिस्कशन हुआ है? इसराइल के लिए वो एक थोड़ा सा कंसर्न है उनके होस्टेजेस, और वो ओवरराइडिंग कंसर्न नहीं है पर वन ऑफ द कंसर्न्स है। अगर आज क्लियर हो जाता है कि होस्टेजेस नहीं मिलेंगे, सर आपको रोकूंगा। मनीष अच्छा के पास हमें चलना होगा। मनीष आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और किस तरह का एक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जो ग्राउंड ऑपरेशन से पहले यहाँ से दो तरह के एक्शन मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जब आप देखिए कि रह रहकर ये जो आर्टिलरी है उससे फायर किया जा रहा है और गाजा पर फायर किया जा रहा है। गाजा पट्टी के जो इलाके हैं वो बस आप देखिए ये ठीक सामने में, मैं अपनी आंखों से उन जगहों को देख पा रहा हूँ और वहाँ पर लगातार हमले होते हैं, वहीं दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर देखिए ये वो जगह है गाजा पट्टी के ठीक सामने पर मौजूद ये इजरायली टैंक डिवीजन का वो बेस है जहाँ से लगातार जो है सो हमले किए जाते हैं, गोले दागे जाते हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको कहूं तो इनकी कोशिश यही है कि एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी के जरिए जो गाजा पट्टी के उन इलाकों को जिसे आईडीएफ कहता है कि वो हमास के समर्थित वाले इलाके हैं उनको ध्वस्त किया जाए। और यही वजह है कि अभी देखिए संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का कहना है कि इन हमलों की वजह से 10 लाख से अधिक लोग गाजा पट्टी में जो है। मनीष जल्दी से एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या गाजा की तरफ से अभी भी रिटेलिएशन देख रहे हैं आप? क्योंकि रात भर इसराइल की तरफ से बम वर्षा हुई है गाजा पट्टी के तमाम इलाकों को निशाना बनाकर, जबरदस्त तबाही की तस्वीरें वहां से सामने आई। अभी भी रिटेलिएशन हो रहा है क्या? देखिए रिटेलिएशन उधर से जवाबी कार्रवाई तो हो रही है, रिटेलिएशन तो हो रहा है और वो दिखता है आपको रॉकेट के जरिए, क्योंकि रॉकेट की तरफ से यही एक केवल अंतर है कि वहां से केवल रॉकेट दागे जाते हैं। मैं जहां पर आपको खड़ा हूं मेरे पीछे के इलाके से तो आसमान में ऊपर से इधर से रॉकेट गुजरते हैं रह रह के एक घंटे दो घंटे के अंतराल पर। लेकिन इसके ठीक उलट में जब आईडीएफ के पास यहां पर आर्टिलरी है जिसके जरिए वो कंटिन्यूअस अटैक करते हैं, उसकी तुलना में उनके पास आर्टिलरी नहीं है तो वो आर्टिलरी के जरिए उसका जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते। यही अंतर है रूस यूक्रेन के युद्ध में और यहां पर, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध में हम देखते थे कि दोनों तरफ से जो है आर्टिलरी से फायर होते थे, लेकिन यहां पर दोनों तरफ से बारूद बरसता है। आपने अपना पूरा ख्याल मनीष रखिए क्योंकि आप जिस जोन में लगातार वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। इस बीच एक बड़ी खबर, गाजा के 10 लाख लोग बेघर हुए। यूएन ये बता रहा है अपनी रिपोर्ट में, करीब 5 लाख लोगों का पलायन हुआ है, लाखों लोगों के घर तबाह हो गए। ये हाल हुआ है इजरायली सेना की बमबारी में। तो यूएन की रिपोर्ट ये बता रही है कि गाजा में जो इजरायल की तरफ से बमबार्डिंग की गई उसमें नुकसान क्या हुआ। इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में फ्यूल सप्लाई शुरू हो गई है, 10 दिन के बाद फ्यूल टैंक पहुंचे हैं, 10 दिन के बाद पहुंचे हैं फ्यूल टैंक। तस्वीरें आप देखिए गाजा में जहां पर फ्यूल की सप्लाई रुकी हुई थी, अब वहां पर एक बार फिर से जो फ्यूल के टैंक्स हैं वो पहुंच गए। और ये तस्वीरें आप देखिए, इसमें आपको टैंक की मूवमेंट भी नजर आ रही जो फ्यूल टैंक है।